motherfucking Eagle Double G. Snoop Dogg. Hey guys, it's Neha. Welcome back to my channel. तो friends, आज हम फिर से कुछ super duper करने वाले हैं यार. तो friend, guess करो कि आज मैं क्या करने वाली हूँ. आपको पता ही है कि आज मैं क्या करने वाली हूँ, जैसा कि आपने thumbnail में देख ही लिया होगा. तो चलो यार, फिर भी मैं बता देती हूँ कि आज मैं क्या करने वाली हूँ. तो यार, आज हम बहुत ही ज्यादा गजब का काम करने वाले हैं. तो फ्रेंड्स, आज हम फोर्क पेंटिंग करने वाले हैं. तो आज हम फोर्क से पेंटिंग करेंगे. तो आज हम फोर्क से फ्लावर बनाने वाले हैं. एंड ये जो मोबाइल में एक फोम शीट आती है, इससे आज हम पेंटिंग करने वाले हैं. तो पता नहीं क्या होगा, आई डोंट नो. लेकिन यार, मैं सोच रही हूँ आज इसे करके देखते हैं कि क्या रिजल्ट आएगा, क्या आउटकम होने वाला है इसका, क्योंकि आई डोंट नो द आउटकम ऑफ दिस. लेकिन यार, ट्राई करना तो बनता है. तो आज मैंने ये मुद्दा उठाया है, तो मैं इस मुद्दे को जरूर पूरा करूंगी. एंड मैं जो मुद्दा उठाती हूँ, मैं उसे जरूर पूरा करती हूँ. नए नए आइडियाज मेरे दिमाग में आते रहते हैं, तो मैं सोचती हूँ यार, उसको एक्सपेरिमेंट किया जाए. क्या आपके दिमाग में भी नए आइडियाज आते हैं? एंड आप भी सोचते हो कि यार, उसे एक्सपेरिमेंट करें? अगर आते हैं तो यार, जरूर एक्सपेरिमेंट किया करो. क्या पता एक्सपेरिमेंट से कुछ बड़ा इन्वेंशन हो जाए. तो यार, जरूर एक्सपेरिमेंट करते रहा करो. तो फ्रेंड्स, आज हम फोर्क से पेंटिंग करने वाले हैं. एंड हम इस फोम शीट से पेंटिंग करने वाले हैं. आप चाहो तो स्कॉच ब्राइट भी यूज कर सकते हो. अगर आपके पास ये फोम शीट ना हो, तो आप अपने घर में बर्तन मांजने का जो स्कॉच ब्राइट आता है, फोम वाला जो स्कॉच ब्राइट आता है, आप उससे भी पेंटिंग कर सकते हो. तो इट्स वेरी इजी एंड नाइस प्रोसेस एंड वेरी 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 इंटरेस्टिंग प्रोसेस. तो यू कैन डू दिस प्रोसेस. दिस इज वेरी नाइस प्रोसेस. तो फ्रेंड्स, क्या आपको भी मेरी तरह एक्साइटमेंट हो रहा है कि यार, इससे कैसे पेंटिंग की जा सकती है? क्योंकि मुझे तो बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रहा है. एंड मेरा एक्साइटमेंट लेवल ऊपर ही बढ़ रहा है. एंड मैं सोच रही हूँ यार, कि जल्दी से ट्राई करके देखते हैं कि आज इससे हम क्या करेंगे एंड आज हम इससे क्या बनाएंगे, क्योंकि हमने कुछ भी टेस्ट नहीं किया है. एंड मैं रैंडमली काम ही करती हूँ, आपको पता ही है. तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो, तो यार जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो. अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है, तो लव यू गाइस. अगर नहीं किया है, तो यार फटाफट सब्सक्राइब कर लो. तो फ्रेंड्स, प्लीज शेयर माय वीडियोस टू योर फैमिली मेंबर्स एंड फ्रेंड्स. तो फ्रेंड्स, देखते हैं कि आज हम फोर्क से क्या करने वाले हैं एंड इस फोम शीट से क्या करने वाले हैं. तो हमें तो कुछ आइडिया है नहीं, लेकिन यार, आज करेंगे तो करना है, तो करना है, तो आज हम करेंगे ही. सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोमेंट, लेट्स मूव टू द वीडियो. तो गाइस, चलो अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं. तो बहुत ही ज़्यादा इजी प्रोसेस है. फोर्क पेंटिंग कैसे होती है, आज मैं आपको बताने वाली हूँ. तो आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको एक फोर्क ले लेना है एंड उसके ऊपर कलर को अप्लाई करना है. आप देख सकते हो, मैंने रेड कलर को अप्लाई कर दिया है. एंड आफ्टर डैट, आपको एक पेपर पर प्रेस कर देना है. जैसे ही आप प्रेस करोगे, ये बहुत ही सुंदर टेक्स्चर देगा फ्लावर वाला. तो ऐसे ही हम सारे फ्लावर्स को बना लेंगे एंड ऐसे ही कलर लगा लगा के हम प्रेस करते जाएंगे एंड हमारा फ्लावर रेडी हो जाएगा. एंड आप देख सकते हो यार, ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा है. तो आपको अब फ्लावर की लीफ बनानी है एंड वो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है. जैसे आप नॉर्मल फ्लावर बनाते हो, आप लीफ बनाते हो, उसकी एक डंडी बनाते हो, बस वैसे ही आपको करना है ग्रीन कलर से. एंड कुछ भी नहीं है, देख सकते हो आप कि मैं कैसे कर रही हूँ. बस ऐसे ही आपको करना है. एंड फाइनली हम अपने दूसरे प्रोसेस की ओर बढ़ेंगे. तो दूसरा वाला प्रोसेस बहुत ही ज़्यादा सिंपल है. तो मैंने इसका नाम रखा है पुश पुश प्रोसेस. ये बहुत ही सिंपल है. इसमें हमें क्या करना है, आपको पता होगा कि यार, मोबाइल के जो डब्बे आते हैं, उसमें एक फोम शीट होती है. तो आप उसको कट कर लेना एंड छोटा सा पीस कट करके उसमें कलर अप्लाई करके आपको सिर्फ पुश 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 करके करना है. एंड बहुत ही ज़्यादा सिंपल एंड इजी प्रोसेस है. एंड इसको करना बहुत ही इंटरेस्टिंग काम एंड बहुत ही मज़ा आता है यार इसको करने में. मुझे तो ये प्रोसेस बहुत अच्छा लगा. एंड आपको कैसा लगा यार, कमेंट बॉक्स में बताना. तो इसी तरह से आपको फ्लावर बनाना है. तो ये बहुत सुंदर लग रहा है यार फ्लावर. आप बताना कमेंट बॉक्स में, ये कौन सा फ्लावर वाला लुक दे रहा है. तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि ये कौन सा फ्लावर मैंने बनाया है. ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर एंड इजी प्रोसेस है. तो आप इसको घर पे ट्राई कर सकते हो, आप कैनवास पे भी ट्राई कर सकते हो. अगर आपके पास फोम शीट ना हो, तो यार आप बर्तन मांजने वाला स्कॉच ब्राइट आता है, आप उससे भी इस पेंटिंग को कर सकते हो. वेरी इजी, उसमें से आप थोड़ा सा पीस काट लो एंड फिर उसके बाद उस पर कलर अप्लाई करो. एंड देन यू हैव टू प्रेस लाइक पुच 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 पुच.
बहुत ही सिंपल एंड इजी प्रोसेस है, आप देख ही सकते हो। इसको बनाने में यार कुछ भी नहीं है। एंड आफ्टर दैट आपको सेम काम करना है, आपको एक फ्लावर की डंडी बनानी है एंड कुछ लीव्स बनानी है ताकि हमारा फ्लावर रियल रियल वाला लगे। तो हमारा फ्लावर बहुत ही सुंदर लग रहा है एंड हम उसमें जब लीफ बनाएंगे तो उसमें और चार चांद लग जाएगा यार, एंड हमारा फ्लावर बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल 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 बन जाएगा। एंड जो यार कमेंट बॉक्स में बताना कि ये मेरा प्रोसेस कैसा लगा आपको, क्योंकि मुझे तो बहुत अच्छा लगा एंड ईजी लगा। एंड प्लीज़ इसे ट्राई करना, अगर आप ट्राई करोगे तो ज़रूर बताना कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा इसको बनाने। तो फ्रेंड्स, फाइनली हमारा वीडियो रेडी हो चुका है। तो आपने देखा कि ये कितना इंटरेस्टिंग प्रोसेस है, बहुत ज़्यादा मज़ा आया एंड इसको करने में मुझे बहुत ज़्यादा बहुत मज़ा आया, बहुत बहुत मज़ा आया। एंड मैं सोच रही हूँ कि यार हम इससे कुछ और भी क्रिएट कर सकते हैं। इट्स अ नाइस आइडिया एक्चुअली, फोर्क पे कलर लगा लगा के इस तरह से प्रेस करके एक अलग ही तरीका है यार पेंट करने का। तो फाइनली मैं आपको दिखा देती हूँ कि ये मैंने बनाया है, आपने वीडियो में देख ही लिया है, फिर भी मैं आपको दिखा देती हूँ कि मैंने आज ये बनाया है एंड ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर बना है। एंड आप चाहो तो इसे फ्रेम करके घर पे भी लगा सकते हो, इट्स सो ब्यूटीफुल। एंड ये फ्लावर का टेक्सचर बहुत ही गजब आया है एंड आप इसे ज़रूर ट्राई करना। एंड अगर आपके दिमाग में कोई आइडिया आता है तो यार कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करना एंड ज़रूर बताना कि आपके दिमाग में ये आइडिया आया है। एंड अगर नहीं बताते हो तो यार एक्सपेरिमेंट ज़रूर करना है यार, एक्सपेरिमेंट करने के बाद बताना कि यार आपका एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो गया, मैं भी उस आइडिया को ज़रूर क्रिएट कर लूँगी। तो फ्रेंड्स शेयर करना ना भूलना, शेयर ज़रूर करना। तो फ्रेंड्स अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो यार जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है तो लव यू गाइस, अगर नहीं किया है तो यार फटाफट सब्सक्राइब कर दो। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो कैसा लगा यार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना एंड मुझे तो बहुत मज़ा आया ये प्रोसेस करके। एंड आपको ये मेरा प्रोसेस कैसा लगा यार ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में। तो आज के लिए इतना ही एंड मिलते हैं अगली वीडियो में फिर कुछ सुपर डुपर आइडिया के साथ, फिर कुछ धमाकेदार एंट्री के साथ। तो आज के लिए बाय बाय।